अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और इस पर सो रहा है, ये भी सो रहे हैं। मैं उपमा बनाने के लिए ना सूजी को भून के रख दी हूँ, लेकिन बना नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं सोच रही हूँ ना, ये लोग उठ जाएँ, फिर गरम गरम ही बनाऊँगी। प्याज भी कट करके रख दी हूँ, मिल्क गरम करके रख दी हूँ। और अभी टाइम 9:30 हो गए हैं, दिख रहे हैं 9:30 हो गए हैं और ये लोग अभी उठे नहीं हैं। मैं वेट कर रही हूँ उठने का, बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। स्पर्स भी सो रहा है, ये भी सो रहे हैं। थोड़ा सा स्पर्स हिलडुल रहा था, उसके बाद किचन में आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे सूजी भून के और मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। प्याज भी कट करके कड़ी पत्ता भी ले आई हूँ बाहर से। अभी स्पर्स उठ के आ चुका है, सोया था, धीरे धीरे जल्दी जल्दी उठाई और ये अभी सोए हुए हैं। इनको नहीं उठा रही हूँ क्योंकि इनकी कभी भी नींद पूरी नहीं होती है, तो इसलिए उठा नहीं रही। उठ के आया और बिस्किट ब्रश कौन करेगा, वॉशरूम कौन जाएगा, जाइए वॉशरूम जाइए, सो करके आइए। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी फुल एनर्जी के साथ मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँ। और आज है संडे, मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। 9:30 में मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था कुछ सेकंड का, एंड फ्राइडे से ही ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। मॉर्निंग टाइम में ही जो मैं 9 बजे के आसपास जो मैंने शूट किया था, उसके बाद मैं कोई भी अपना ब्लॉग नहीं बनाई। उसके बाद बस जो हाल था यार, मैं क्या बताऊँगी तो आप लोग भी फिर बाद में बोलोगे कि आप बहुत परेशान हो, फिर पूछो कि क्वेश्चन कोई, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहती हूँ। बट आज मैं सोची कि चलो मैं कितने दिन ऐसे रह सकती हूँ। मुझे उपमा बनाए, देखिए 10 बज गया और ये अभी उठे नहीं और मैं उठा भी नहीं रही हूँ, बिकॉज डेली ये 4:30 में उठते हैं। मैं तो कई बार नहीं उठ के, मतलब नाश्ता वगैरह बना के नहीं देती हूँ, ये मुझे नहीं उठाते हैं, तो फिर मैं संडे को क्यों उठाऊँ, जब ये मेरा इतना ख्याल करते तो मैं क्यों उठाऊँ, तो इसलिए मैं उठा नहीं रही हूँ इनको। इधर आ गया स्पर्श, आज धूप अच्छी निकली हुई है। तो यहाँ पे ना अभी मैं अलमारी से निकाल के लेके आई हूँ ये सारे फाइल, और इसमें से मेरे कुछ फाइल मेरे प्रेगनेंसी वाले हैं और कुछ फाइल जो हैं स्पर्श का जो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो भी हॉस्पिटल से जो भी चीज़ें मिली हुई थी वो सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं इसको निकालती हूँ ना तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, जब प्रेगनेंसी वाला वो फाइल वगैरह मैं देखती हूँ। तो बस यहाँ पे निकाल के लेके आई थी और मुझे ना मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी वो करनी है, मतलब मुझे इसमें से नोट करनी थी। और जैसे स्पर्श की ना कुंडली अभी नहीं बनी हुई है, तो वो मैं आज सोची ना कि आज मैं बनवाती हूँ। मैंने यहाँ पे बात किया, वैसे मैं घर पे बोल रखी थी बहुत टाइम से, जब से स्पर्श हुआ था तब से मैं बोल रखी थी, बट कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि इसकी इतनी प्रॉब्लम है। फिर भी मैं सोची ना कि चलो अब मैं ही, मुझे ही ये सारा कुछ करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उम्मीद कर ली लोगों से, उम्मीद करके देख ली, अब किसी से कुछ बोलना नहीं है, जो भी करना है खुद करना है। उम्मीद तब करते हैं ना जब हम सामने वाले को तकलीफ़ में किए होते हैं, या फिर करते हैं, अभी भी हम करते हैं, तभी हमें भी उम्मीद रहती है कि हमें भी कोई तकलीफ़ में करेगा। लेकिन खैर, दिल से पूछना और पूछ के फॉर्मेलिटी निभाना वो तो समझ में तो आ ही जाता है। तो क्यों कैसे क्या बनवाना है, बहुत सारी चीज़ें, अगर कुछ भी होगा, अगर कुंडली में आती है तो बस मन के मतलब तसल्ली के लिए हम कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ही। बस उसके बाद ये ना उठ चुके थे और उपमा सूजी तो पहले से भून रखी थी मैं, देन यहाँ पे ज़्यादा कुछ पीनट्स वगैरह कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। और सिंपल सा आजकल मैं बताती हूँ ना, सिंपल हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं। तो बस उपमा भी बन के अभी हो चुका है रेडी, 3 प्लेट मैं निकाल दी हूँ, इनका है, मेरा है, स्पर्श का है। उसके बाद इनकी डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत टेंशन, मतलब टेंशन से तो ये बढ़ता ही है डायबिटीज़, और इतना भी इनका अचानक से डायबिटीज़ का पता चला और बहुत ज़्यादा अभी ज़्यादा है। तो मैंने ना ये इनके लिए ना कल ये मंगाया था, कल ही का आया है ये, घर पे हम इससे वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना शुगर लेवल है ये सब। तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो आज संडे था, ये घर पे थे तो आज ये चेक करने के लिए बैठे हुए थे। मैं बोली कि आप चेक करके देख लो एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम भी बाहर करवाए थे तो बहुत ज़्यादा था, और इस टाइम भी अभी और ये हो गया है शाम का टाइम, और मेरा मूड ठीक करने के लिए ना मुझे ये आज बोले बाहर लेके चलते हैं। और स्पर्श भी बार बार बोल रहा था कि पापा घूमने चलेंगे, तो बस ये लेके हम लोग थोड़े मतलब ऐसे कहीं गए नहीं थे, बस ये लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हमें, और थोड़ा सा मूड ठीक हुआ। और जैसे जहाँ गए ना उधर का एरिया बहुत अच्छा था, एकदम पहाड़ी वाला, जो हिमाचल का जो एरिया होता है ना, वहीं उधर को हम गए थे।
तो हमें आने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। इधर हम गए थे, फिर काफी दूर तक हम चले गए थे। एक्चुअली आज हमारी दिन की ना एक जगह हमने अपॉइंटमेंट पे लिया था स्पर्श के लिए, थेरेपी के लिए, बट वो चीज़ हो नहीं पाया, फिर हम गए नहीं उधर को। हमने कुछ और हम सोच रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं, अभी पहले वो कर लें उसके बाद फिर हम यहाँ जाएंगे। तो बस यहाँ का जो मौसम था ना बहुत अच्छा हो रहा था, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, और पहाड़ों पे ऐसा जब मौसम होता है ना बारिश वाला बादल वाला तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे तो। और स्पेशली मैं पता क्या करती हूँ, जब ऐसा मौसम होता है तो छत पे चली जाती हूँ, और छत पे से फिर बैठ के देखना बड़ा मुझे पसंद है ऐसा मौसम। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ थोड़ा बहुत व्यू भी सुंदर सा है। एंड ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, मतलब ये मंडे मॉर्निंग का है, और अभी सुबह के बज रहे थे 5। मैं उठी थी 4:45 में, उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद फिर मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ, सब्जी कट कर चुकी हूँ, बैंगन की सब्जी बनानी है। तो पता है इस टाइम ना उठने का बिल्कुल मन नहीं होता, अगर थोड़ा लेट इनको जाना होता है ना उस टाइम पर ठीक रहता है, जैसे 6:30 या 7 बजे उठती हूँ वो वाला टाइम ठीक रहता है, या फिर 5:30 वाला भी ठीक रहता है, लेकिन 4:30 उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलार्म लगा के उठती हूँ, अलार्म लग बजता है कई बार तो बंद करके 5 मिनट के लिए फिर से सो जाती हूँ। एंड अभी मैं कढ़ाई को रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और लहसुन अभी मैं छील ली हूँ, साथ ही साथ बैंगन मेरा कट हो चुका है, और लहसुन को थोड़ा सा ना कूट लूँगी जिससे इसका सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। कट करके चॉप करके डालूँगी उसका टेस्ट और ऐसे ना ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी हूँ, लहसुन डाल दे रही हूँ, उसके बाद बैंगन को मैंने अभी पानी में डाल के रखा है, आलू बाद में कट करूँगी। तो ये मैं ड्राई वाली सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं प्रेशर कुकर में मसाले वाली सब्जी बनाती हूँ तो स्पर्श तो उठ के इस समय से बस शुरू कर देती है अपना बदमाशी। तो मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग टाइम में मैं ड्राई वाली सब्जी बनाऊँ। तो बैंगन को थोड़ा बहुत भूनता रहेगा ना, उसके बाद फिर मैं आलू डालूंगी, क्योंकि इससे फिर सब्जी अच्छा बनता है। कोई भी चीज़ बीन्स आलू बना रहे हो तो पहले बीन्स को आप भून लो बाद में आलू डालो, तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और दूसरे मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, रात से ही दर्द हो रहा था, जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में एब्डोमिनल पेन मेरा मतलब कुछ टाइम पहले हो रहा था, वहीं वाला चीज़ फिर से शुरू हुआ है। तो मैं अभी ना अजवाइन रख दी हूँ वो करने के लिए, थोड़ा सा अजवाइन पानी पी के देखती हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। और दूसरी साइड में मैं कट करने लगी हूँ अभी आलू। आलू मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर इनको तो मैं बैंगन ही दूंगी, 2-4 ही उसमें आलू चला जाता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनकी भी केयर करनी पड़ रही है, और खाने पीने की तो स्पेशली, क्योंकि इसी चीज़ से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो बस आलू मैं इसलिए डाल रही हूँ कि बाद में हमारा ब्रेकफास्ट में ये हम खा लेंगे। आलू स्पर्श भी ढूंढता है, मैं भी यही खाती हूँ, बैंगन मैं भी नहीं खाती हूँ। और ये आधा से अधिक कुक हो चुका है सब्जी, उसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालूंगी, जितना मुझे डालना होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड दूसरी साइड में आटा भी मैंने अभी लगा लिया था, और अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, अभी स्टार्ट नहीं करी हूँ बनाना। तो इनको तो मैं रोटी बना के देती हूँ, पराठे ये मैं इनको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बना के नहीं देती हूँ, पराठे अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि भाई ऑयल लगता है, और थोड़ा सा सॉफ्ट रोटी को सॉफ्ट करने देसी घी लगा देती हूँ, यही रहता है। तो बस मैं फटाफट से अभी रोटी बना ले रही हूँ, और ये बस अपना जो भी इस टाइम पर काम रहता है, जैसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, और इतना सुबह वाला मैं सुबह इनका ना ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाता है, शाम को फिर करते हैं अगर मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं तो, और थोड़ा लेट जाते हैं तो मॉर्निंग टाइम में अपना जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो कर लेते हैं। तो मैं अभी फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ 3 से 4, ब्रेकफास्ट भी मुझे देना है, क्योंकि इतना सुबह ये करके नहीं जाते हैं, जैसे ऑफिस पहुँचते हैं ना तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अभी मुझे पैक करना है खाना, तो दोनों टाइम का, दोपहर का लंच में भी रोटी और ब्रेकफास्ट वाला भी रोटी, दो रोटी वो भी मुझे पैक करना होगा। तो बस मैं यहाँ पे देसी घी लगा लेती हूँ, और अभी मैं सोच रही थी कि देसी घी मैं निकालूँ मतलब घर पे बनाऊँ, लेकिन ये ख़रीदा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा इसमें का ख़त्म हो जाता है ना ये घी पॉट में का, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं कभी गिर जाए क्या हो जाए, इसी वजह से ज़्यादा फुल कभी नहीं करती हूँ, हाफ से भी मैं इसमें कम रखती हूँ। तो सब्जी मैंने बंद कर दिया है, ये सब्जी भी हो चुकी है, रोटी को भी मैं पैक कर दे रही हूँ। और ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन मैं बहुत ही कम शूट करती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, सुबह जब हम उठते हैं, काम तो हम करते हैं डेली का रहता है मेरा, लेकिन सुबह ना कैमरा लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और कैमरा इधर से उधर ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। तो कभी कभार ही 10 दिन 15 दिन पे ही मैं मॉर्निंग वाला अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता है। खीरा भी मैंने अभी कट कर लिया है, और यहाँ पे इनकी रोटी भी रख दी थी, सब्जी भी, एंड साथ में अभी फ्रूट्स वाला बॉक्स जो है उसमें फ्रूट्स कट कर रही हूँ, एक एप्पल और एक मैं पेयर को कट कर रही हूँ, तो ये भी अभी मैंने रख दिया है। और बस अभी ये ऑफिस जा चुके हैं, निकल चुके थे, मैं थोड़ा बहुत इनको इधर से ना बाय कर रही थी, और उसके बाद मैं अभी करने लगी हूँ वॉक।
तो सुबह सुबह का मौसम भी अच्छा था, और जब भी ऑफिस जाते हैं उसके बाद ही मैं वॉक कर लिया करती हूँ। अगर लेट जाते हैं तो फिर मुझे मुश्किल होती है, धूप निकल जाता है, फिर मेरे को घर के अंदर ही, वैसे मेरे घर में काफ़ी स्पेस है, जो लिविंग एरिया वो बहुत बड़ा है, तो मैं वहाँ भी वॉक कर लिया करती हूँ अगर धूप ये लेट जाते हैं तो। अगर सुबह जाते हैं तो इस टाइम का मौसम, वैसे भी यहाँ जब मैं वॉक करती हूँ कोई नहीं उठा रहता है, कोई कोई कुछ लोग ऑफिस जाते हैं इधर से, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है ठंडा ठंडा मौसम। कई बार सोचती हूँ छत पर मैं जाके वॉक कर लूँ, लेकिन जा नहीं पाती हूँ स्पर्श को छोड़ के, फिर क्योंकि वो अगर बीच में उठ जाए तो मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे आवाज़ भी आएगी कि स्पर्श उठ गया है, और मैं उसको देख लूँगी, क्योंकि उसकी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अब इनकी भी केयर करनी पड़ रही है, और मेरी मेरा तो वही वाला हाल है, तो हम तीनों मतलब ऐसे ही हैं समझ लो, लेकिन चलो भगवान साथ दे रहे हैं, देंगे, और जैसा भी सिचुएशन है उसको हम हैंडल करके आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।